नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से टेक डीआईवाई में। और आज के प्लेग्राउंड सेशन में हम वेब क्लाइंट देखेंगे, स्प्रिंग वेब क्लाइंट। वेब क्लाइंट जो है ये हमारा वेब फ्लक्स के साथ आता है, और बेसिकली इसके थ्रू हम जैसे हम REST टेम्पलेट का यूज़ करते थे उसी तरह से हम वेब फ्लक्स जब यूज़ करें तो हमको वेब क्लाइंट के थ्रू अपने दूसरे माइक्रो सर्विसेज को कॉल करेंगे, ठीक है। और ये सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस दोनों ही तरह के ऑपरेशंस को सपोर्ट करता है, यानी कि जैसे हम REST टेम्पलेट पहले यूज़ करते थे तो हम वेब क्लाइंट को REST टेम्पलेट की जगह भी यूज़ कर सकते हैं, और रिएक्टिव स्टैक के केस में भी यूज़ कर ही सकते हैं क्योंकि रिएक्टिव केस के लिए ही है ये मेनली। और यहाँ पे इसको बनाने के तीन तरीके हैं, मतलब वेब क्लाइंट को यूज़ करने के तीन तरीके हैं। पहला यहाँ पे बताया हुआ है कि वेब क्लाइंट डॉट क्रिएट, और दूसरा बताया जिसमें हम URL पास कर देंगे अगली सर्विस का, और तीसरा है थ्रू वेब क्लाइंट। डिफॉल्ट वेब क्लाइंट बिल्डर क्लास होती है, उसके थ्रू भी हम इसको कस्टमाइजेशन, फुल कस्टमाइजेशन के साथ कर सकते हैं। तो ये तीन फ्लेवर्स यहाँ पे हैं, और इसी के साथ आज का जो सेशन है इसके लिए हमने रेफ़र किया है belding.com को, जो अगेन वेरी यूज़फुल और वेरी फेमस साइट है। और बेल्डिंग के अलावा हमने आज के सेशन के लिए एक और साइट का यूज़ किया है जिसका नाम है jsonplaceholder.typeiocode, तो वो भी आप देख सकते हैं, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। तो अभी हम अपने स्प्रिंग इनिशियलाइजर में आ गए, और अभी प्रोजेक्ट का नाम हम दे रहे हैं स्प्रिंग बूट क्लाइंट के नाम से, ठीक है। और इसमें डिपेंडेंसीज में हम लॉम्बॉक ऐड करेंगे और रिएक्टिव वेब ऐड करेंगे, ठीक है। ये दो डिपेंडेंसीज हम यहाँ पे ऐड करेंगे, जावा 8 लेंगे और ग्रेडल ले रहे हैं इस बार, हम ग्रेडल प्रोजेक्ट बनाएंगे। और जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि हम इस आज के प्रोजेक्ट के लिए belding.com का यूज़ कर रहे हैं, तो ये साइट हमारी रेफरेंस के लिए खुली रहेगी, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। तो अभी हम इसको अपने प्रोजेक्ट को डाउनलोड किया है अभी हमने, अब जनरेट करके अनजिप करके और अपने इंटेलिजे में अभी इसको इंपोर्ट करेंगे इसी प्रोजेक्ट को। तो अभी हम उसको इंपोर्ट कर रहे हैं आइडिया में, और आइडिया में इंपोर्ट हो रहा है और नया विंडो में हम खोल लेंगे उसको। तो बेसिकली आज के सेशन में हम दोनों चीज़ें देखेंगे, पहले गेट कॉल कराएंगे, और गेट के लिए जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया आपको जेसन प्लेस होल्डर जो साइट है वहाँ से हम डेटा फीड लेंगे, और उस साइट को हम वेब क्लाइंट के थ्रू कॉल करेंगे। और पोस्ट के लिए हम जो हमारा पिछला प्रोजेक्ट था रिएक्टिव MongoDB वाला, स्प्रिंग रिएक्टिव MongoDB, तो उसको हम स्टार्ट करके और वहाँ से पोस्ट रिक्वेस्ट आपको करके दिखाएंगे। तो ये है, ये हमारा है। और इंटेलिजे में शॉर्टकट्स हैं वो आप नीचे देख सकते हैं, जैसे कि नीचे टिकर्स में आ रहे हैं। जैसे अगर आपको प्रोजेक्ट व्यू में जाना है तो वो कमांड और वन का है, मैक में कमांड वन है और विंडोज़ में ऑल्ट वन है, तो उसके थ्रू आप देख सकते हैं। और किसी भी ये हम ग्रेडल फाइल दिखा रहे हैं आपको, तो ग्रेडल में आप देख सकते हैं जिसमें हमने लॉम्बॉक लिया है और इम्प्लीमेंटेशन में वेब फ्लक्स लिया है, ठीक है, स्टार्टर वेब फ्लक्स। तो इस तरह से हमारा रिएक्टिव ऐप तैयार है, मतलब बिल्डिंग हो सकती है अभी। स्केलेटन अपना पूरा प्रोजेक्ट का तैयार है, इसको स्केलेटन बोलते हैं नॉर्मली। अभी हम अपने पैकेजेस बना रहे हैं, तो पैकेजेस में हम मॉडल और रिसोर्सेज बना लेते हैं। और जेसन में जैसा आप देख सकते हैं हमारा जो एंड पॉइंट रहेगा जिसको हम हिट करेंगे वहाँ से, वो कमेंट्स का रहेगा, मतलब एक पोस्ट के अंदर कितनी कमेंट आ सकती है, तो वो हम उस तरह का सिनेरियो आज लेने वाले हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं ब्राउज़र में हमने हिट किया है रिक्वेस्ट को, और वहाँ पे जो कमेंट के
आईडी और जो भी फील्ड्स वहाँ पे दिए हुए उसी नाम से हम यहाँ पे अपना कमेंट ऑब्जेक्ट कमेंट क्लास बना लेंगे, ठीक है। और ये एड डेटा और एड टू स्ट्रिंग एनोटेशंस हम इसमें जोड़ लेंगे, जो कि अपना लॉम्बोक एनोटेशंस रहती है, ठीक है। और न्यू रिसोर्स को भी शॉर्टकट सारे नीचे टिकर्स में आ रहे हैं, तो अगर नया कुछ ऐड करना है तो पैकेज के अंदर जाके और आप कमांड एन कर सकते हैं। मैक में और विंडोज में ऑल्ट इंसर्ट करेंगे तो वो न्यू फाइल या न्यू का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, पॉपअप मेन्यू ओपन हो जाएगा, जैसा अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है। अभी हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, तो जैसा कि लास्ट वीडियो में भी देखा था, इनेबल वेब फ्लक्स करना पड़ता है हमको वेब फ्लक्स प्रोजेक्ट के लिए, तो वो हमने किया है अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल पे, इनेबल वेब फ्लक्स किया। और दूसरा हमने एड कॉन्फ़िगरेशन किया है, तो एड कॉन्फ़िगरेशन और इनेबल वेब फ्लक्स के अपने प्रोजेक्ट को के अंदर वेब फ्लक्स को इनेबल करवाता है। और ये जो वेब फ्लक्स कॉन्फ़िगरर है, इस क्लास को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन क्लास है वो उसको इम्प्लीमेंट कर रही है, ठीक है। तो हमारा मॉडल रेडी है और ये हमारा प्रीवियस जो प्रोजेक्ट था वो पोस्ट के ऊपर था, तो और उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, हमारा प्रीवियस प्रोजेक्ट का, जिसमें कि हमने रिएक्टिव मोंगो रिएक्टिव स्प्रिंग रिएक्टिव मोंगो का स्टैक लिया था। तो अभी हम अपना जो नया एंड पॉइंट लिख रहे हैं, और ये एक मोनो रिटर्न करेगा, मोनो यानी सिंगल ऑब्जेक्ट, ठीक है, और फ्लक्स का मतलब मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, और यही मेन डिफरेंस है। और क्योंकि वो एसिंक्रोनस होते हैं तो रीड भी उसी तरह से होते हैं फिर, ठीक है। तो वही हम करने जा रहे हैं यहाँ पे। अभी हम अपनी सर्विस लिख रहे हैं, कमेंट सर्विस, जो कि जिसमें कि एक फाइंड बाय आईडी है, यहाँ पे आईडी जो है वो अपना पोस्ट का आईडी है, ठीक है। जो अपना यूआरएल था वो इसी तरह से था, अभी उसको भी हम यहाँ देखते हैं। तो हमारा यूआरएल जो था जेसन प्लेसहोल्डर आयो में, तो उसी को हम यहाँ पे रेफर कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारा वेब क्लाइंट, अब हम वेब क्लाइंट ऐड करने जा रहे हैं, ठीक है। तो webclient.create के अंदर अपन इसका बेस यूआरएल पास कर देते हैं। बेस यूआरएल में पूरा बेस यूआरएल है, जैसा कि अब हमने वहाँ पे देखा था, जेसन प्लेस होल्डर टाइप आयो कोड, और फिर उसके बाद /comments/comments/id, तो जिस पोस्ट के अंदर के वो कमेंट्स है वो सारे उसमें शो हो जाएंगे। और यहाँ पे हेडर वगैरह वो सब कुछ हम बिल्डर के थ्रू कर रहे हैं, डिफ़ॉल्ट वेब क्लाइंट बिल्डर के थ्रू, तो यहाँ पे हम सारी कॉन्फ़िगरेशंस कर सकते हैं, तो वही हम यहाँ पे डाल रहे हैं, ठीक है। और हेडर डाला है, यूआरएल वेरिएबल्स क्या क्या हैं यूआरएल के वो हमने डाले हैं, तो कलेक्शंस डॉट सिंगल टू मैप है, ठीक है, जिसमें हम यूआरएल पास कर रहे हैं और उसका डिफ़ॉल्ट यूआरएल वेरिएबल्स यहाँ से पास कर रहे हैं हम, ठीक है। और अल्टीमेटली जब हम डॉट बिल्ड कहेंगे तो ये बिल्डर जो पैटर्न होता है वो उसमें डॉट बिल्ड कहते ही हमारा पूरा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो यहाँ पे हमारा वेब क्लाइंट क्रिएट हो गया, ठीक है। आप यहाँ पे आराम से इसको कोड को देख सकते हैं, फाइंड बाय पोस्ट आईडी हमने किया था, और क्योंकि एक एक पोस्ट के अंदर कई सारे कमेंट्स हो सकते हैं तो इसलिए हमको फ्लक्स मिलेगा, मोनो नहीं मिलेगा, तो वही चेंज हम यहाँ पे करने जा रहे हैं, ठीक है। और फ्लक्स मतलब मल्टीपल, मोनो मतलब सिंगल, ये आप हमेशा याद रखिएगा। तो ये हमारा है, इसमें स्लैश कमेंट्स और पैरामीटर में हम पोस्ट आईडी पास कर रहे हैं, तो ये हमारा यूआरएल है, जिस मतलब ये हमारा गेट मेथड है और ये यूआरएल है उसके लिए। तो इस यूआरएल को हम हिट करेंगे तो हमको इस तरह से डेटा आना चाहिए, पोस्ट आईडी 1 के लिए इतना सारा कमेंट्स हैं, तो वो कमेंट्स हमारे लोड होने चाहिए हमारे एंड पॉइंट से भी, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हमारा वेब क्लाइंट हो गया, अभी हमको मेन जो रिटर्न टाइप है हमारा वो फ्लक्स ऑफ कमेंट्स है, तो अभी हम वेब क्लाइंट के ऊपर
वेब क्लाइंट से डॉट गेट करेंगे तो हमको वेब क्लाइंट डॉट गेट करने पे हमको कमेंट फ्लक्स मिल जाएगा, ठीक है। उसको हम कमेंट फ्लक्स ऑब्जेक्ट में ले लेंगे और वहाँ से यहाँ से उसको रिट्रीव कर रहे हैं। बॉडी टू फ्लक्स मतलब जो अभी रेस्पॉन्स आ रहा है उसको हम फ्लक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। डॉट यू आर आई में जो भी हमारा पोस्ट आईडी वगैरह ऐड करके करना था यू आर आई, वो प्रॉपर यू आर आई क्रिएट किया यहाँ पे। और जो हमारा एंड पॉइंट है उसको हम ऑल कमेंट्स बोल रहे हैं, ठीक है। ऑल कमेंट स्लैश आईडी, तो ये बेसिकली हमारा मतलब जो हम यहाँ से यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन में जो एंड पॉइंट रहेगा वो ये रहेगा। और अल्टीमेटली हम इसको आगे जब पास कर रहे हैं, यानी कि हमारी माइक्रो सर्विस से दूसरी, सपोज जो हमारा सपोज कीजिए जेसन प्लेस होल्डर वाला जो है सर्विस या एंड पॉइंट, वो हमारी दूसरी कोई माइक्रो सर्विस है जो हमारे सेम मतलब एनवायरनमेंट में रन कर रही है। आप उसको इस तरह से अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी वही हो रहा है, तो हमारे दोनों, हमने अपना एंड पॉइंट लिख लिया कंट्रोलर में, कमेंट्स कंट्रोलर में हमने एंड पॉइंट लिख लिया अपना। और ये आपके लिए मैंने पॉज कर दिया है जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो कमेंट सर्विस डॉट गेट ऑल कमेंट्स कॉल करेंगे और वो गेट ऑल कमेंट्स में हमारा सारे कमेंट्स आ जाएंगे। तो ये होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं रिटर्न में हम केवल HTTP स्टेटस सेट कर रहे हैं। अगर नहीं मिल, अगर मिलता है तो HTTP स्टेटस ओके कर दो, नहीं मिलता है तो वो नॉट फाउंड कर देगा और फ्लक्स को अपना सेट कर देगा। अभी हम देखें उसको रीस्टार्ट कर, मतलब रीस्टार्ट करके देखते हैं। सर्वर को हमने बाउंस किया है, अभी अपने 8080 ऑल कमेंट्स पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा पोस्ट आईडी 1, अभी हमने सारे के ये हमारा बेसिकली सारे कमेंट्स के लिए है ये एंड पॉइंट जो है, ऑल कमेंट्स यानी पोस्ट रिगार्डलेस ऑफ पोस्ट सारे कमेंट्स ये यहाँ पे शो कर देगा, ठीक है। 500 600 जो भी होगा उतने कमेंट्स यहाँ पे ये शो कर देगा, ठीक है। अब हम अगला नया एंड पॉइंट जो लिखने जा रहे हैं ये बाय पोस्ट है, ऑल कमेंट्स बाय पोस्ट आईडी। तो बाय पोस्ट आईडी में हम पाथ वेरिएबल से आईडी हमको मिलेगा, ठीक है, और कॉरेस्पॉन्डिंग उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे लोड करेंगे। अब क्या किया हमने, जो हमारा कॉमन कोड था वेब क्लाइंट क्रिएट करने वाला, वो सारा हमने एक अलग मेथड में एब्स्ट्रैक्ट करके निकाल के रख लिया, एक्सट्रैक्ट करके रख लिया है, ठीक है। और उसी को हम जहाँ जहाँ पे भी हमको वेब क्लाइंट की ज़रूरत है वहाँ पे हम इसको यूज़ कर लेंगे बेस यूआरएल पास करके। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम अभी गेट ऑल कमेंट्स में भी उसको यूज़ कर रहे हैं और नीचे गेट ऑल कमेंट्स बाय पोस्ट आईडी में भी यूज़ कर रहे हैं। तो हमारा यूआरआई है जो वही चेंज हुआ है, तो हमारा यूआरआई चेंज हुआ है तो वही चेंज हमने यहाँ पे कर दिया है। अभी हम इसको देखेंगे तो पर्टिकुलर, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जेसन प्लेस होल्डर जो लिंक है उसमें कि स्लैश कमेंट्स स्लैश पोस्ट आईडी जो एंड पॉइंट था उसमें कैसे वो शो कर रहा है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये ऑल कमेंट्स का है और ये जो दूसरा राउट है अपना, ठीक है, दूसरा राउट है वो स्लैश कमेंट्स और फिर वो रिक्वेस्ट पैरम में वो ले रहा था पोस्ट आईडी पास कर रहा था, तो वही यहाँ पे भी कर रहे हैं बेसिकली। इस साइट पे भी उसने बताया कि इसको आप कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही काम यहाँ कर रहे हैं हम लोग। तो ये हमारा कमेंट फ्लक्स का ये बता रहा है पूरा डिस्क्रिप्शन। तो बेसिकली मेनली यही हो रहा है यहाँ पे कि वेब फ्लक्स अपना वेब क्लाइंट यूज करके हम उसको हिट कर रहे हैं। अभी हम लोग इसका चेंज कर लेंगे, सर्वर पोर्ट 8081 पे इसको रन करके देखेंगे, क्योंकि आगे जब हम पोस्ट मेथड लिखने जाएंगे यानी कि जब हम वेब क्लाइंट के थ्रू डेटा पोस्ट करेंगे उस टाइम पे हम अपना
एक दूसरा प्रोजेक्ट है हमारा पुराना किया हुआ प्रोजेक्ट, जिसमें कि हम रिएक्टिव मोंगो को कर रहे हैं, तो उसमें हम उस टाइम में हम उसका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं 8080 पे हमने उसको इनेबल किया है, तो 8080 पे हमारा दूसरा प्रोजेक्ट रन कर रहा है और वहाँ पे जो डेटाबेस में है डेटा उस हिसाब से हम आपको शो करते हैं। 8081 पे अभी हम आपको डेटा शो कर रहे हैं, तो ये हमारा 8081 पे स्लैश आईडी के साथ डेटा शो हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा, और ये जो थर्ड वाला है एड पोस्ट स्लैश एड पोस्ट, ये हमारा थर्ड एंड पॉइंट है, मतलब जो हमने लिखा है, जो हमारा एक्चुअली उस MongoDB वाले प्रोजेक्ट को मतलब उस माइक्रो सर्विस को रेफर करेगा जो हमारी 8080 पे रन कर रही है। तो वो कैसे हो रहा है वो अभी आपको दिखाते हैं। तो मेथड टाइप पोस्ट है और एड पोस्ट में रिक्वेस्ट बॉडी में हम बॉडी पास कर रहे हैं, वहाँ से पोस्टमैन से हम पास करेंगे बॉडी को और क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, और क्रिएट में हम एक्चुअल में इस एड पोस्ट के थ्रू गेट वेब क्लाइंट क्रिएट करके और उसमें हम पोस्ट डेटा पास करेंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं लाइन नंबर 41 पे। और वो जो है वो हमारा 8080 पे जो सर्विस रन कर रही है इसके क्रिएट मेथड को कॉल करेगा, इसका जो क्रिएट एंड पॉइंट है उस क्रिएट एंड पॉइंट को हम यहाँ पे अपने एड पोस्ट एंड पॉइंट से हिट करने की कोशिश करेंगे। तो अगर सब कुछ सही रहता है तो एक नया पोस्ट वहाँ पे क्रिएट हो जाना चाहिए, ठीक है, डेटाबेस में, टेस्ट डेटाबेस में। तो वो हम देखेंगे कैसे होता है, तो यही हम यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करें। तो URI में हमने स्लैश क्रिएट दिया और बॉडी में मोनो दिया है क्योंकि एक पोस्ट हम क्रिएट करने जा रहे हैं, तो और पोस्ट इसको एज इट इज़ हमने पोस्ट मॉडल अपने प्रोजेक्ट में भी बना लिया है, दोनों माइक्रो सर्विसेज में पोस्ट नाम से हमने मॉडल बना लिया है, और फ्लक्स ऑफ पोस्ट या अपना मोनो ऑफ पोस्ट भी दे सकते हैं, तो वही हमने किया है यहाँ पे। ठीक है, अभी हम एंड पॉइंट को हिट करके देखते हैं। तो ये हमारा, आपको क्रिएट की फंक्शनैलिटी थोड़ी मैं बता देता हूँ, तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। अभी एड पोस्ट में हमने आईडी दिया है 5 और एक नया थोड़ी डिटेल डिफरेंशिएट करने के लिए डिटेल भी दे देते हैं। तो ये डिटेल देने के बाद अभी हम सेंड करेंगे, तो एक्चुअल में हमारा क्रिएट मेथड कॉल होना, मतलब क्रिएट एंड पॉइंट हिट होना चाहिए इसके बैकएंड में। ये हमारा 8080 स्लैश एड पोस्ट है, लेकिन ये कॉल होने पे भी हमारा क्रिएट एंड पॉइंट कॉल होगा वेब क्लाइंट के थ्रू। ठीक है, तो वही हम यहाँ करने जा रहे हैं। तो ये अभी हमने हिट किया और यहाँ पे देखिए आप 8080 पे अभी सेंड करते हैं इसको, स्टेटस ओके आया है, स्टेटस ओके आया। तो चलिए फाइंड ऑल देखते हैं जो कि उसका है 8080 वाले का, मतलब सर्विस का। तो उसमें आप देख सकते हैं लास्ट वाला जो पोस्ट है वो हमारा एड पोस्ट से क्रिएट हुआ है, मतलब वेब क्लाइंट के थ्रू क्रिएट हुआ है। तो यही आज के फर्स्ट सेक्शन का यही पार्ट था जिसमें आप हमने ये देखा, और नेक्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे कि किस तरह से हम टाइम आउट्स वगैरह कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इसी में, वेब क्लाइंट में ही टाइम आउट कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, वो हमारा पार्ट 2 में जाएगा और वो अगला सेशन है जो अभी स्टार्ट होने वाला है। तो इसी के साथ अब नेक्स्ट सेशन शुरू करते हैं। इसमें हम टाइम आउट की कॉन्फ़िगरेशंस देखेंगे जो कि जिसके थ्रू हम, क्योंकि एसिंक्रोनस कॉल्स है तो हमको टाइम आउट सेट करना पड़ेगा कि कितने टाइम तक ये सुनेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी स्लाइड में इसको करने के क्या तरीके होते हैं, तो डिफ़ॉल्ट 30 सेकेंड्स का टाइम आउट होता है और बेल्डिंग के अंदर हम रेफ़र करेंगे बेल्डिंग को इसके लिए भी, और प्रोजेक्ट हमारा सेम पिछले बार वाला ही प्रोजेक्ट रहेगा, उसी के अंदर हम टाइम आउट की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ ऐड करेंगे। ठीक है, तो वो बता रहा है कैसे ऐड करेंगे। दो तरह से ऐड होता है, ग्लोबल लेवल पे होता है और एक
किसी रिक्वेस्ट लेवल पे होता है। तो अभी पहले हम रिक्वेस्ट लेवल पे देखेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम जो हमारा गेट वेब क्लाइंट मेथड था, जो कि दोनों हमारी जितनी भी कॉल्स थी सब में ये मेथड रेफर हो रहा था। तो अभी वही हम देखते हैं, बेस यूआरएल में सेम बेस यूआरएल हम यूज़ कर रहे हैं, गेट ऑल कमेंट्स और गेट ऑल कमेंट बाय पोस्ट आईडी, वो सेम ही रहेगा, ठीक है। चेंज हमारा केवल हम टाइम आउट कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। तो इंस्टेंशिएट एचटीटीपी क्लाइंट एंड पासिंग दैट टू गेट वेब क्लाइंट, हाँ। तो ये हमारा अप्रोच ये रहेगा कि हम एचटीटीपी क्लाइंट का यूज़ करेंगे और उसको यहाँ पे पास करेंगे। एचटीटीपी क्लाइंट के अंदर हम टाइम आउट वगैरह यूज़ करेंगे और वो फिर वेब क्लाइंट के अंदर हम उसको HTTP क्लाइंट ऑब्जेक्ट को पास कर देंगे। तो वो कैसे करना है वो अभी यहाँ पे देखते हैं। देखिए, जैसा कि आप लाइन नंबर 71 के बाद की लाइंस में देख सकते हैं, तो हमको डॉट क्लाइंट कनेक्टर यूज़ करना पड़ता है। कनेक्टर के अंदर हमको रिएक्टर क्लाइंट HTTP कनेक्टर पास करना पड़ता है। तो वही कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं अभी, और ऊपर से जो HTTP क्लाइंट आ रहा है उस HTTP क्लाइंट को हम आगे यहाँ पे पास करेंगे, ठीक है। तो वही कॉन्फ़िगरेशन हम करने जा रहे हैं, और HTTP क्लाइंट को ऊपर कैसे कॉन्फ़िगर करना है वो भी आप देख लीजिए। वेब क्लाइंट अगेन हमारा HTTP क्लाइंट हम बनाने जा रहे हैं अभी। ये क्लाइंट ऑब्जेक्ट है डॉट क्रिएट करके हम उसको क्रिएट कर रहे हैं, और ऑप्शन में हम चैनल ऑप्शन दे रहे हैं। ये कॉन्फ़िगरेशंस है जो कॉमन कॉन्फ़िगरेशंस है, और यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं ऑप्शन में हमने चैनल ऑप्शन डॉट कनेक्ट टाइम आउट मिली सेकेंड सेट किया। तो हम डिफ़ॉल्ट 30 सेकेंड्स का रहता है, अभी हमने 5000 मिली सेकेंड सेट किया है, ठीक है। और रेस्पॉन्स टाइम आउट में हमने ड्यूरेशन सेट किया है, और डू ऑन कनेक्टेड, मतलब अगर आप फोकस करेंगे ना तो आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि वो क्या करने जा रहा है, किस चीज़ के लिए है वो कनेक्टर्स भी, ठीक है। कनेक्शन डॉट ऐड हैंडलर, तो नाम से ही पता चल रहा है ऐड हैंडलर, मतलब वो हैंडलर ऐड कर रहा है, उसके लिए कितना टाइम आउट लगेगा, ठीक है। और रीड टाइम आउट हैंडलर, यानी रीड करते टाइम कितना टाइम तक वेट करो, राइट के टाइम कितना वेट करो, वही सारी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग HTTP क्लाइंट ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। और फिर उस HTTP क्लाइंट ऑब्जेक्ट को हमने गेट वेब क्लाइंट मेथड में पास कर दिया है। हमने एक नया मेथड लिया है पुराने वाले से ही कॉपी करके, और उसमें गेट टाइम आउट HTTP क्लाइंट को भी ऐड कर दिया है, और सर्वर स्टार्ट किया है। तो अभी सर्वर स्टार्ट हुआ है, अभी कुछ एरर आ रहा है बैकएंड में। ये एरर क्या कह रहा है, स्टैक ट्रेस क्या बोल रहा है देखते हैं। ओके, ये स्टैक ट्रेस बोल रहा है अनेबल टू पार्स द यूआरएल। अनेबल टू पार्स क्यों बोल रहा है, यूआरएल में कहाँ? ओके, यूआरएल में ब्लैंक गया है। ओके, कहीं ना कहीं हम बेस यूआरएल को पास नहीं कर पा रहे हैं, तो उसी का ये इशू है। देखते हैं कहाँ पे है। तो हम सर्विस क्लास में गए और यहाँ पे गेट वेब क्लाइंट वाला जो मेथड है हमारा उसको देखते हैं हम। ओके ओके, ओके, अनेबल टू पार्स ही है एरर, तो अनेबल टू पार्स, लेकिन कहाँ पे, कौन से लाइन नंबर पे आ रहा है वो देखते हैं अभी। ओके, अभी हमने ये आइडेंटिफाई किया है कि लाइन नंबर 83 में जो बेस यूआरएल है ये हमको पास करना चाहिए था, ये हमने नहीं, मिस कर दिया था ये पास करना। तो ये कोड हमने अभी ऐड किया है, अभी ये चल रहा है, अभी ये ऐड करके सर्वर को रिबाउंस करते हैं, तो ये चलना चाहिए। ऐड करने के बाद अब देखते हैं, सर्वर को फिर से रीबाउंस करते हैं, देखते हैं सर्वर क्या बोलता है इस बार, एरर रहती है जाती है। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अधिक से अधिक मात्रा में, तो हम इस तरह के और सेशंस, प्लेग्राउंड सेशंस लेके आते रहेंगे आपके लिए। तो सर्वर स्टार्ट हो रहा है मीनवाइल, अभी हम ऑल कस्टमर ऑल कमेंट्स पे क्लिक करेंगे और देखेंगे कि क्या आता है।
मतलब जो एरर हुआ था वो लाइन नंबर 83 में जो कोड है वो मिसिंग था, इसी वजह से प्रॉब्लम आ रहा था। मतलब बिल्डर कॉल किया, बिल्डर डॉट क्लाइंट कनेक्टर कॉल कर लिया था हमने, बेस यूआरएल जो है वो यहाँ पास होना चाहिए था, वो हमने नहीं किया था। अभी हम टाइम आउट को बहुत नीचे रखेंगे, बहुत कम रखेंगे, डिफॉल्ट जितना 30 सेकेंड्स रहता है उससे काफ़ी कम हमने 50 जस्ट 50 मिली सेकेंड्स रखा है। तो इतने में तो कोई भी सर्विस रेस्पॉन्ड, खासतौर से जो कि दूसरे ही डोमेन में कहीं पे है, वो इतने शॉर्ट नोटिस पे तो कहाँ रेस्पॉन्ड करेगी। तो इसलिए इसको हम इंटेंशनली फेल कराने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। तो अभी ये वाइट लेबल एरर पेज सही आया है क्योंकि कनेक्शन टाइम आउट हुआ है। तो यही हमारा आपको दिखाने का था। तो ये हो रहा है यहाँ पे, अभी हम इसको थोड़ा रीजनेबल रखते हैं, 30 सेकेंड्स रखते हैं, ठीक है। तो और ये जो कॉन्फ़िगरेशन हमने किया है, ये सारा कॉन्फ़िगरेशन आप एट कॉन्फ़िगरेशन क्लास जो हमने लिखी है ना, वेब कॉन्फ़िगरर क्लास, उसमें भी आप ये कर सकते हैं, वहाँ पे करके और यहाँ पे उस क्लास को ऑटो वायर कर सकते हैं, और उस तरह से भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं वेब क्लाइंट को, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमको ये कन्वीनियंट लगा, हमारे पास मेथड्स ऑलरेडी थे तो हमको यही कन्वीनियंट लगा कि हम सीधे उसे यहीं कर लें, और जस्ट एक सिंपल एग्जांपल के लिए हमने इसको यहाँ पे कर दिया। बाकी बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि हम इसको, क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन है तो हम इसको सेपरेटली वहीं पे करें, मतलब कॉन्फ़िगरेशन क्लास में ही करें। और ये जो आप देख रहे हैं लाइन नंबर 30 पे टाइम आउट और इसमें ड्यूरेशन में, ये हम पर्टिकुलर गेट ऑल कमेंट्स रिक्वेस्ट के लेवल पे हम ये टाइम आउट सेट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि वो जो मेथड है गेट ऑल वाला, ठीक है, वो हमारा पुराना वाला जो गेट वेब क्लाइंट वाला मेथड था उसको कॉल कर रहा है, तो इसलिए हमने वहाँ पे केवल टाइम आउट डाल दिया है। और ये जो गेट वेब क्लाइंट विद टाइम आउट है, इसमें हम बेसिकली जो ग्लोबल टाइम आउट कैसे सेट करना है वो हम यहाँ पे कर रहे हैं। और ये कोड गेट वेब क्लाइंट विद टाइम आउट, ये पूरा कोड हम उसमें कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन में कर सकते हैं, और यहाँ पे ऑटो वायरिंग के थ्रू यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि अभी पहले भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो हमारी जो उस क्लास का नाम था वेब फ्लक्स कॉन्फ़िगरर, उसके अंदर भी हम इसको करके यहाँ पे ऑटो वायर कर सकते थे, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा टाइम आउट की कॉन्फ़िगरेशन पूरी होती है, ठीक है। और टेस्ट करके भी देख लेते हैं इसको विथ कन्वीनियंट टाइम आउट। अभी 10,000 दिया है, तो अभी हम फिर से देखेंगे, फिर से जेसन प्लेस होल्डर वाले को हिट करके देखेंगे। आइडियली अभी ये होना चाहिए, ठीक है। अभी हमने प्रॉपर टाइम आउट सेट किया है, तो आइडियली अभी ये वहाँ पे हिट होना चाहिए। सर्वर रिबाउंस करते हैं, 10,000 मिलीसेकंड। सर्वर अभी सर्वर चल ही रहा है, रिबाउंस नहीं किया था, सॉरी। अब सर्वर हम रिबाउंस कर रहे हैं, बहुत मेहनत लगती है, तो इसीलिए हम एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट दें, हमें फीडबैक दें, ताकि हम इस तरह के और प्लेग्राउंड सेशंस लेके आएं। जैसा कि अब आप देख सकते हैं रीजनेबल टाइम आउट में, यानी 10 मिली सेकेंड्स जो टाइम आउट दिया था उसके बाद ये चल रहा है। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद, और हमें सब्सक्राइब करें अधिक से अधिक, लाइक करें, शेयर करें, फीडबैक दें, कमेंट दें, ठीक है। अगले सेशन तक के लिए धन्यवाद, और जय हिंद, जय भारत। सुरक्षित रहें, सेफ रहें, घर पे ही रहें। जय हिंद, जय भारत।